निर्मला सीतारमन जी बार बार देश के भारत के व्यापारियों से पूछ रही हैं कि आप यहां इन्वेस्ट क्यों नहीं करते पर इस वीडियो में भी तीन झूठ बोले गए पहला झूठ उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएलआई दिया मैन्युफैक्चरर्स को जैसा मैंने बताया डब्ल्यू के रूल्स सिर्फ असेंबलिंग देश भारत में सिर्फ असेंबलिंग के ऊपर पीएलआई दे सकते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर दूसरा झूठ उन्होंने कहा देश में लगातार एफ बढ़ रही है देश में एफ 2004 से लेकर 2014 के बीच 2.4 परसेंट थी जबकि आज यह आंकड़ा 1.72 परसेंट है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो वैसे भी फॉरेन कंपनीज बैक्ड होती है और फॉरेन कंपनीज अपना प्रॉफिट देश से ले जाती हैं तो भारत में कोई कैपिटल जनरेशन नहीं होता तीसरा झूठ उन्होंने बोला कि कॉरपोरेट टैक्स उन्होंने कम कर दिया यह बात सच है पर यह कॉरपोरेट टैक्स सिर्फ जीरो जीरो पॉइंट वन परसेंट व्यापारियों के ऊपर देश में लागू होता है हालत यह हो चुकी है कि बीते दस वर्ष में सोलह लाख भारतीय अपनी नागरिकता छोड़कर देश से जा चुके हैं हालत यह हो चुकी है कि तेईस हजार हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स अपना बिजनेस बंद कर कर देश छोड़कर जा चुके हैं